केरला मुख्यमंत्री पिनरई विजयन देश राजधानी ढिल्ली जंतर मंतर वद्द आंदोलन को दिगा केन्द्र अंदे निधु विषय में तमक अन्यायम जरूत आरोप आने तो पार्टी नेतलु इंदो पाल्गोन्नारु वारंता केरला हाउस नुंची जंतर मंतर वरकु र्याली वच्चारु ढिल्ली पंजाब सीएम अरविंद केज्रीवाल भगवंत मान निरसन वेदिक वद्दकु वच्ची तम संघी भावान्नि प्रकटिंचारु ई संदर्भंगा मात्लाडुतू ढिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केज्रीवाल बीजेपी प्रभुत्वंपै घाटैन विमर्शलु संधिंचारु केन्द्रानिकि उन्न एकैक आयुधं ईडी अनि प्रश्निंचिन गोंतुकनु ईडी केसुल पेरुतो नोक्कडं बीजेपी सर्कार्कि अलवाटैंदनि विमर्शिंचारु तो इस तरह से दिल्ली के अंदर तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि हर काम के अंदर किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर हर काम के अंदर छोटे से छोटे काम के अंदर टांग अड़ा रहे हैं। और तीसरा तरीका है ईडी, यह अब इनका एक नया हथियार आ गया ईडी। अभी तक इस देश के अंदर यह कानून होता था कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसकी जांच होती थी, फिर उसमें मुकदमा चलता था, मुकदमे में तय होता था कि कौन कौन दोषी है कौन कौन निर्दोष है, जो दोषी है उसको सजा मिलती थी, वो जेल जाता था। मुकदमे के बाद, मुकदमा खत्म होने के बाद आदमी जेल जाता था जिसको दोषी माना जाता था। अब ये अब तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, फिर सोचते हैं अब इस पर क्या मुकदमा करें, इस पर क्या केस बनाएं, फिर ये केस बनाते हैं और केस बनाने के बाद फिर वो तब तक जेल में रहता है जब तक कि मुकदमा।